दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की, जो काफ़ी सिंपल होता है। बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। जैसे हम अपने स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाने के लिए तीन कॉन्टैक्टर लेते हैं। पहला कॉन्टैक्टर मेन कॉन्टैक्टर, जिसके नीचे हम ओवरलोड रिले लगाते हैं। दूसरा कॉन्टैक्टर हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर और तीसरा कॉन्टैक्टर हमारा स्टार कॉन्टैक्टर। स्टार कॉन्टैक्टर का जो इनपुट पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट होते हैं, ये एक दूसरे के साथ लूप रहते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है। यह स्टार्टर दोस्तों हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, इसलिए यहाँ पर हमें एक कॉन्टैक्टर और एक ओवरलोड रिले का रिक्वायरमेंट और रहेगा। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि हमारा मेन कॉन्टैक्टर कौन सा है, हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर कौन सा है, डेल्टा कौन सा है और स्टार कॉन्टैक्टर कौन सा है। पहले मैं आपको यहाँ पर वायरिंग करके दिखा देता हूँ, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको इन कॉन्टैक्टर को होल्ड करके दिखाऊँगा और सप्लाई दिखाऊँगा कि कैसे हमारे मोटर तक पहुँचती है हमारे फेज का सिक्वेंस चेंज होकर के, जिससे कि मोटर उल्टा घूमती है और सीधा घूमती है। MCB के आउटपुट पॉइंट से सप्लाई उठा करके जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर लगाए फॉरवर्ड के लिए, इसके इनपुट पॉइंट पे हम R/B तीनों फेज दे देते हैं और ओवरलोड रिले से सप्लाई को आउट करने के बाद अपने मोटर के टर्मिनल बॉक्स में लेकर के जाते हैं। यहाँ सिर्फ मैंने आपको टर्मिनल दिखाए हैं, यहाँ पर मैंने मोटर नहीं दिखाया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसा मैं टर्मिनल में दिखा रहा हूँ, एज इट इज आपको मोटर में देखने को मिलेगा। मेन कॉन्टैक्टर का वायरिंग हमारा हो गया है, अब हम रिवर्स कॉन्टैक्टर का वायरिंग कर लेते हैं। रिवर्स कॉन्टैक्टर का दोस्तों मतलब ही यही है कि आपको मोटर को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि उल्टा घुमाना है, और किसी भी थ्री फेज के मोटर को उल्टा घुमाने के लिए आपको फेज का सीक्वेंस चेंज करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेन कॉन्टैक्टर के L1 पर मैंने R फेज को दिया है, तो रिवर्स कॉन्टैक्टर के L3 पर मैं R फेज दूंगा और जो मेरा रिवर्स कॉन्टैक्टर का L1 पॉइंट है, यहाँ पर मैं B फेज को दे दूंगा और जो हमारा L2 पॉइंट है, यहाँ पर मैं एज इट इज Y फेज को कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि Y फेज का सीक्वेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे दो फेज का सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया। दोस्तों अब हम अपने स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर का वायरिंग करेंगे। डेल्टा कॉन्टैक्टर का वायरिंग करने के लिए जो हमने मेन कॉन्टैक्टर के नीचे ओवरलोड रिले लगा के रखी है, इसके आउटपुट पॉइंट से सप्लाई उठाएंगे और डेल्टा कॉन्टैक्टर के इनपुट पॉइंट में सप्लाई लेकर के जाएंगे। यहाँ दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने मेन कॉन्टैक्टर के इनपुट पॉइंट में सप्लाई दी थी, उसके बाद हमने रिवर्स कॉन्टैक्टर के इनपुट पॉइंट में सप्लाई दी है, यहीं से हम सप्लाई उठा करके अपने डेल्टा कॉन्टैक्टर में दे देते, हमें नीचे से सप्लाई उठाने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो नीचे से सप्लाई हमने इसलिए उठाई है आउटपुट से, क्योंकि जब हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर चलेगा तो हमारा मेन सप्लाई का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अगर हम ऊपर से ही अपने डेल्टा कॉन्टैक्टर में सप्लाई दे देते इनपुट से, तो हमारा जो रिवर्स वाला सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता, वो हमें डेल्टा में नहीं मिलता, इसलिए हम आउटपुट से सप्लाई को उठाते हैं। अब अपने डेल्टा कॉन्टैक्टर के आउटपुट से सप्लाई को उठाएंगे और जो अपना मोटर का टर्मिनल बॉक्स है, जहां मैंने टर्मिनल बना करके रखे हैं, इसमें एज इट इज अपना R/B लगा देंगे और जो स्टार कॉन्टैक्टर है, इसका ऊपर वाला पॉइंट आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ लूप रहता है, नीचे वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके डेल्टा के आउटपुट में जोड़ देते हैं। यहाँ दोस्तों मैं थोड़ा सा मोटर के टर्मिनल के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि आपने एक सीध में सारे फेज लगा दिए हैं तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि मोटर के टर्मिनल एक सीध में नहीं होते, एक दूसरे के क्रॉस में होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमारा R फेज W1 पर मिल रहा है, तो दूसरी तरफ से हमारा B फेज W2 पर मिल रहा है, तो एक बाइंडिंग में हमारे दो फेज जाते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में। अब जो दोस्तों हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है, इसके नीचे आउटपुट रिले से सप्लाई को आउट करेंगे और जो हमारे R/B तीनों फेज गए हैं हमारे डेल्टा कॉन्टैक्टर में, इसी के साथ ये सप्लाई को भी जोड़ देंगे। दोस्तों हमारा पावर सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया है और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब इस स्टार्टर को हम ऑपरेट करके देख लेते हैं कि ये स्टार्टर काम कैसे करता है। स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में दो ग्रीन पुश बटन लगे होते हैं, एक बार हमारा फॉरवर्ड में चलाने के लिए और दूसरा ग्रीन बटन हमारा रिवर्स में चलाने के लिए। एक स्टॉप बटन लगा होता है,
अभी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कंट्रोलिंग नहीं समझाऊंगा, सिर्फ इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग भी समझा दूंगा। जो दोस्तों मैंने ग्रीन पुश बटन के ऊपर F लिखा है, इस बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हमारा मोटर हमारा फॉरवर्ड में चलेगा क्लॉकवाइज। अब फॉरवर्ड में जब मोटर चलता है तो पहले हमारा मेन कॉन्टैक्टर होल्ड होता है और स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड होता है। तो आप देख सकते हैं मेन कॉन्टैक्टर को मैंने होल्ड करा दिया है और स्टार कॉन्टैक्टर को भी होल्ड करा दिया है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है हमारा टाइमर के जरिए, वो आपको कंट्रोलिंग में समझाऊंगा, और डेल्टा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डेल्टा कॉन्टैक्टर को होल्ड कर दिया है तो हमारा एक वाइंडिंग को दो फेज मिलने लगते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपका रिक्वायरमेंट है कि मोटर को हमें रिवर्स में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो उसके लिए पहले आप रेड पुश बटन को प्रेस करेंगे, मोटर को बंद करेंगे। उसके बाद जहां मैंने ग्रीन पुश बटन पर आर लिख करके रखा है, इस आर बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं ग्रीन पुश बटन को, तो आपका रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और रिवर्स के साथ साथ स्टार कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन हुआ था तो आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर पे भी आर वाई बी एज इट इज फ्रिक्वेंसी में मिल रहा था, लेकिन जब आपका रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा कॉन्टैक्टर पे भी आपका सीक्वेंस चेंज हो गया है। जहां एल वन पर पहले आर मिल रहा था, वहां आपको अब एल वन पर बी फेज मिलने लगा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।